कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने निर्बंध जाहीर केलेत आणि प्रत्यक्षात मात्र ब्रेक द चेनच्या नावाखाली संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करण्याचा घाट महाविकास आघाडी सरकारने घातला असल्यानं तसेच वीकेंडला कडक लॉकडाऊन असताना त्याआधीच दुकानांचे शटर खाली करायला लावल्यानं व्यापाऱ्यांसह नागरिकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. त्या अनुषंगानं गुरुवारी खांदा कॉलनी येथील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन करत ठाकरे सरकारचा निषेध केला. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या आंदोलनात व्यापारी दुकानदार छोटे व्यावसायिक व जनतेचे हाल करू नका असं राज्य शासनाला आवाहन करतानाच राज्य सरकारने जनतेचे छोट्या व्यापारी दुकानदारांचे हाल थांबवावेत, जे काही कडक निर्बंध लावलेत ते मागे घ्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी राज्य सरकारला दिला. यावेळी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, नगरसेविका सीता पाटील, युवा नेते अभिषेक भोपी यांच्यासह व्यापारी असोसिएशन नाभिक मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या आंदोलनात लॉकडाऊन हटाव व्यापारी बचाव असे फलक हातात घेऊन व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. तर पनवेल तालुका नाभिक समाज मंडळाने आम्हाला भीक मागायला लावू नका, आम्ही उपाशी मरायचे का अशा आशयाचे बॅनर झळकवून राज्य सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. तसेच गुरुवारी पनवेल व्यापारी संघानेही आंदोलन करत निषेध व्यक्त केला. यावेळी संजय जैन, पवन सोनी, राजकुमार सचदेव, हस्तिमल जैन, कीर्ती डेडिया, छतरमल मेहती उपस्थित होते. जो मजदूर लोग रेलवे स्टेशन पे हम लोग टीवी पे देख कर मजदूर लोग रेलवे स्टेशन पे जाके बैठे कि कभी पूरा लॉकडाउन खोलेंगे और जाने के लिए हमारे पास गाड़ी भी नहीं रही, उससे पहले भाग जाओ. ये महाराष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी तस्वीर नहीं है. आज महाराष्ट्र सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से अच्छा राज्य नहीं कहला, यहाँ पे काम करने की सहूलियत है इसके लिए भी अच्छा कहलाता. आज जो मेहनत करता है उसको मेहनत करने का अवसर आज तक मिलता था, इसके लिए महाराष्ट्र आगे बढ़ा था. और आज अगर आप में से कुछ लोग मालिक होंगे, कुछ लोग अपने अपनी दुकान में काम कर रहे होंगे और आप अगर दूसरे स्टेट से हैं और अगर ये और ज़्यादा बहुत दिन तक बंद रखा तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, कुछ लोगों को शायद जाना पड़ेगा. मैं गुजारिश करूँगा कि कितना महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जल्दी ना करे और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले, ऐसी बुद्धि भगवान इनको देगी ऐसी मैं कामना करता हूँ. और पता नहीं ये हमारा जो इम्तिहान दिया जा रहा है ये इम्तिहान कब तक दिया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि कल तक खत्म हो जाएगा. अगर ये कल तक खत्म नहीं हुआ तो सोमवार के दिन फिर, क्योंकि शनिचर और रविवार के दिन पूरा ही लॉकडाउन है, कोशिश करते हैं क्योंकि कोरोना का नंबर हमारे यहाँ पर ज़्यादा है तो कोशिश करते हैं कि रविवार तक रुके, लेकिन तब तक गवर्नमेंट की ओर से कुछ कदम उठाया जाना चाहिए. कल अगर सीएम आके बोलेंगे कि सोमवार से एक दिन छोड़ के परमिशन है या इतने इतने घंटे के लिए परमिशन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कदम सोमवार तक नहीं उठाया गया तो सोमवार को सीधे खंडा कॉलोनी वाले हाईवे पे जाएंगे और वो हाईवे ब्लॉक कर देंगे. जो कार्रवाई